ओपन हो चुके हैं, यानी कि कांस्टेबल की आपके जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसीज होती हैं पुलिस में वो स्टार्ट हो चुकी हैं, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, पीडीएफ भी ओपन हो रहा है, सब कुछ ओपन हो रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू एंड फिजिकल टेस्ट। यानी कि अगर आप कांस्टेबल की जनरल वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको पास आउट करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होगा, आपका बीपी लो है कि हाई है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपकी हार्ट, सब कुछ चेक किया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी पूरी बॉडी परफेक्ट होगी, उसमें क्लियर होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आपकी पुलिस की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे। उसमें क्लियर होने के बाद आपको पुलिस की भर्ती में रखा जाएगा, यानी कि आपको ये जॉब दी जाएगी। अगर आप ये तीनों टेस्ट क्लियर कर लोगे स्टूडेंट्स, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो कि कुछ सवाल जवाब होंगे। दी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 121, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 121 है, यानी कि 121 सीट्स खाली हो चुकी हैं कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। सरकार द्वारा 121 सीट्स रखी गई हैं। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए चांस लेना चाहते हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। The applications have to be submitted online on the official website of Indo-Tibetan Border Police ITBP. आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगी इंडो टिबेटियन बॉर्डर ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस जॉब से रिलेटेड आपको सारी जानकारी PDF में अवेलेबल हो जाएगी स्टूडेंट्स। आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.requirement.itbpolice.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप PDF ओपन कर सकते हैं, PDF इंग्लिश में अवेलेबल है। आपको सारी जानकारी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड PDF में ओपन हो जाएगी। आप पूरा एग्जाम पैटर्न भी चेकआउट कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके कौन कौन से चेकआउट किए जाएंगे, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, वो सब कुछ भी मेंशन किया गया है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। वैकेंसी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज कोर्स एंड क्वाटों की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी है, 121 सीट्स खाली हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स अवेलेबल भी होंगी, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कुछ सीट्स रखी गई होंगी, SC के लिए कुछ सीट्स, OBC के लिए कुछ सीट्स, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज भी सीट्स डिवाइड की गई हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप वो भी चेकआउट कर सकती हैं PDF में, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स अप्लाई की गई हैं, यानी कि कितनी सीट्स आपके लिए रखी गई हैं गवर्नमेंट्स द्वारा। पे स्केल आपको यहाँ पर मेंशन किए गए ₹21,700 पर मंथ, यानी कि 21,700 रुपये आपको हर महीने इस वैकेंसी के लिए पे स्केल दिया जाएगा, जो कि महीना वेतन होता है वो सैलरी आपको इतनी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, अगर आप इस पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन ऑडिट सिक्युमुलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड से ही आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री फुल प्रूफ होनी चाहिए, अनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए एंड फेक भी नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आपको यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 23 years, यानी कि अगर आप पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 23 साल रखी गई है। ऑब्वियसली एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, SC एंड ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप SC एंड ST कैटेगरी से लेकिन फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 15 साल का दिया जाएगा, एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन ज़रूर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है हर गवर्नमेंट वैकेंसी में। एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, फॉर यूअर एंड OBC कैंडिडेट्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो ₹100 यानी कि 100 रुपये आपको जमा करने हैं अपनी एप्लीकेशन फ़ी। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए SC ST एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल के लिए नो फी, कोई फी नहीं है। आप फ्री में अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए एंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में आप काम कीजिए। भी एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन, आपकी जितनी भी एग्जामिनेशन फी है जनरल एंड OBC कैंडिडेट 100 रुपये आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू सबमिट करने हैं। लास्ट डेट है 21 जून 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे
पहले पहले आपको अप्लाई करना है। हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर मेल्स के लिए रखी गई है एंड 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखी गई है। आपको हाइट का ध्यान रखना है, मेल कैंडिडेट्स आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स आपकी हाइट भी 157 से कम नहीं होनी चाहिए, मेल की 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट आप पीडीएफ में चेकआउट कर सकती हैं। आईज भी 6x6 एंड 6x9 रखी गई हैं। आपकी आई सेट भी वीक नहीं होनी चाहिए, बीपी भी कंट्रोल होना चाहिए, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर, आपके कान भी ठीक होने चाहिए, सब कुछ सुनाई देना चाहिए आपको इस पुलिस की वैकेंसी में अगर आप अप्लाई करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में, पुलिस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक्स क्वेश्चन जो भी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको, वो सब भी जानकारी आप पीडीएफ में चेकआउट कर सकते हैं। www.requirement.itbpolice.nic.in इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। पुलिस की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पीडीएफ पढ़िए, पूरा पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, देन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। सारी जानकारी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, आपको अलाउंस कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, सारी जानकारी पीडीएफ में दी गई है। प्लीज़ वेबसाइट पर विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक ST एंड OBC तो आपके पास आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी एंड फ्यूचर में भी अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कुछ अलाउंस एंड फैसिलिटीज़ निकलती हैं तो वो सिर्फ आपको आपकी कास्ट के कैटेगरी के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट तो आप बनवा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी स्टूडियो से हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं न्यूली जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।